उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के बड़ा बाजार में स्थित खत्री धर्मशाला में 7 दिवसीय कथा के समापन के बाद प्रसिद्ध कथावाचक इलाहाबाद से पधारे आचार्य श्री सर्वेश प्रप्राणाचार्य महाराज ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने श्री राम कथा का महत्व बताते हुए भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बारे में बताया कि सारे देश के संत इस पावन दिन का बेहद इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा महाराज जी ने अमरोहा की एकता और अमरोहा के हिंदू मुस्लिम सौहार्द पर भी अपने विचार रखे और इसे ऐतिहासिक मिसाल बताया। इलाहाबाद के महान संत और कथावाचक आचार्य श्री सर्वेश प्रप्राणाचार्य महाराज ने अमरोहा नगर के खत्री धर्मशाला में 7 दिनों तक श्री राम कथा सुनाई और अमरोहा नगर में जिस जगह कथा सुना रहे थे उस खत्री धर्मशाला के बिल्कुल बराबर में मस्जिद स्थित है और रोजाना उनकी कथा शाम 3 बजे से 7 बजे तक कभी कभी 8 बजे तक होती थी, लेकिन महाराज श्री के मुताबिक एक दिन भी किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने आकर उनको नहीं टोका और ना ही उनकी कथा में कोई व्यवधान पैदा हुआ। इसकी वजह से उन्होंने बोला कि मस्जिद के बराबर में होने के बाद भी उनकी कथा में कोई रोक नहीं हुई। इस बात का गवाह है कि अमरोहा नगर में हिंदू मुस्लिम आपसी प्यार के साथ रहते हैं और यहाँ कोई नहीं है। महाराज श्री ने बताया कि हमें लोगों ने बताया था कि अमरोहा के सौहार्द के बारे में, मगर हमने अब देख भी लिया और वास्तव में यह एक ऐसा प्यार है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने श्री राम कथा के बारे में बताते हुए बताया कि श्री राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा जन जन में हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। श्री राम कथा में मर्यादा की बातें जगह जगह कही गई हैं। इस कलयुग में चारों तरफ अनाचार भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। श्री राम कथा ही एक ऐसा साधन है जो मानव में मानवता की प्रतिष्ठा कर सकती है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भगवान राम की इच्छा ही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, साधु यही चाहते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।